दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरे चैनल का और एक वीडियो में। दोस्तों अभी जो वैकेंसी के बारे में मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ ये IDBI बैंक की तरफ से निकला है। और एक इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए है कि अगर आपको स्टेट लेवल का जॉब का नोटिफिकेशन चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि आप जो स्टेट में से बिलोंग करते हैं आपको उसी स्टेट का जितना भी है लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जितना भी स्टेट हैं सभी स्टेट के लिए जितना भी अपडेट जॉब निकल रहा है सबका अलग अलग है, तो आपको दूसरा कुछ वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टेट लेवल का जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं आप जो स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको आपका स्टेट में जितना भी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन है वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो जॉब निकला है दोस्तों ये असिस्टेंट मैनेजर कैटेगरी में है, तो इसका जो असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट है 2019 का, इसका नोटिफिकेशन के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 500 है। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा है जो कि 60% मार्क आपको चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए। SC/ST PWD कैटेगरी में है तो 55% मार्क चाहिए। एज का अगर बात करते हैं तो मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम यहाँ पे आपका 28 ईयर्स चाहिए। एग्जामिनेशन का जो डेट है मई 17, 2019 में इसका जो एग्जामिनेशन रखा गया है। और यहाँ पे जो एज का रिलेक्शन है SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का रिलेक्शन मिल जाएगा। अप्लाई करना है यहाँ पे ऑनलाइन में जो IDBI bank.com में जाके आपको, और एप्लीकेशन फीस जो है SC/ST PWD के लिए 150 रुपीज़ और अदर्स के लिए 700 रुपीज़ यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा जो कि आपको ऑनलाइन में पेमेंट करना है। और जो क्वालिफिकेशन है मैं आपको डिटेल में बता दिया। और जो ऑनलाइन आपका शुरू हो रहा है जो टेस्ट यहाँ पे बोला है कि टेंटेटिव जो एग्जामिनेशन होगा 17/5/2019 को होगा, जहाँ पे आपको रीजनिंग, डाटा एनालिस, इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस चाहिए। 60-40-40-60 माने 200 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, 200 मार्क यहाँ पे रखा गया है। 2 घंटे का आपको टाइम मिल जाएगा यहाँ पे। और असिस्टेंट मैनेजर जो कैटेगरी में रहता है दोस्तों बहुत ही अच्छा पोस्ट है। IDBI bank जो आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इसमें शेयर है सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स बैंक, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंदर में आ रहा है। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर पोस्ट ऑफ वैकेंसी जो है हर स्टेट में है, अगर हम देखेंगे तो हर स्टेट में जितना भी लोकेशन है यहाँ पे दे दिया है। अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मणिपुर में इम्फाल, तो इसका ऑल इंडिया रिक्वायरमेंट है, सब जगह पे यहाँ पे जो है इसका वैकेंसी रखा गया है। तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ग्रेजुएशन में अगर आप 60% हैं, अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं 55% मांगा है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।